उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की चुनावी रणभूमि में तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। आधा दर्जन रैलियों के जरिए लक्ष्य सत्ता के संग्राम में विजय का परचम लहराना रहेगा। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे एमपी के कटनी पहुंचे और जाना पीएम को लेकर क्या सोचते हैं मुसलमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज मोदी और भाईजान का ये सफर लेकर आ पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। और कटनी जिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे मुस्लिम तबके से लोग जमा है, जिसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का मुसलमान क्या सोचता है और 9 सालों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बाद क्या कुछ सोच रहा है कटनी का मुसलमान। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगा और ये बताइए कि 9 सालों में कुछ बदला, मुसलमानों की जिंदगी कुछ बदली, या जैसे 60 साल में सब जैसे मुसलमान कमाता खाता आया है आज भी कर रहा है। हमको 24 घंटे पानी मिल रहा है, आवास योजना में हमको मकान मिल रहा है, हमको एजुकेशन के लिए मिल रहा है, हमको जो बेसिक जो नीड जो बहुसंख्यक को मिल रही थी वो मुसलमानों को भी मिल रही है। 5 लाख का बीमा हमें मुफ्त मिल रहा है, वो माइनॉरिटी के लोगों को भी मिल रहा है। विजय सिंह की मुझे वो सरकार याद है 10 साल की, जो माइनॉरिटी स्कूलों को, जैसे हमारा अंजुमन इस्लामिया मिशन स्कूल, जैन स्कूल, इसके अनुदानों को बंद करके इसकी कमर तोड़ दी है। कांग्रेस ने आप लोगों मुसलमानों के विद्यालयों को मिलने वाले अनुदान को खत्म किया, बिल्कुल खत्म कर। ये तो आरोप बीजेपी पर लगता था, आप तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। ये जमीनी सच्चाई है। सबको अपनी राजनीति चमकाना है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। और सच्चाई क्या है? यही कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मुसलमान बिल्कुल दबा और कुचला नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि पहले से प्रोग्रेस किया है मुसलमान ने। अच्छा, मोदी जी के राज में प्रोग्रेस बिल्कुल प्रोग्रेस किया। मोदी जी तो मुसलमानों के विरोधी कहे जाते हैं, आपको इन 9 सालों में कितनी बार महसूस हुआ कि मोदी जी मुसलमानों के विरोधी है? नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, एक बार भी नहीं, कभी नहीं। ट्रिपल तलाक कानून, इसको मुस्लिम महिलाएं कैसा देखते हैं? एक बहुत बड़ी ताकत प्रधानमंत्री ने दी या आपको और कमजोर करने का काम किया? बहुत बड़ी ताकत दी है महिलाओं को। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बहनें डरी सहमी सी घरों में रहा करती थी कि जाने कब हमें किस बात पे छोटी मतलब ये मान के चलिए अगर सब्जी में नमक तेज या कम हो गया है तो हमें तलाक मिल जाएगा। क्या कहा जाता था? 3 बार तलाक तलाक कहकर असंबंध खत्म कर दिया जाता। सब्जी में नमक कम है तो तलाक, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो तलाक, बेटी हुई तो तलाक, हाँ सऊदीया चले गए तो तलाक। लेकिन अब ये कानून पारित होने के बाद उनके तो उन्हें ताकत मिली है, महिलाओं को ताकत दी, बिल्कुल मिली है। किसने दिया ताकत? महिलाओं, मोदी जी ने दी है ये ताकत।